गोविंद गौरंगा हरे कृष्णा। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और आज है गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, आज के दिन भगवान कलयुग में आए थे हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने और युग धर्म स्थापित करने कलयुग का। तो अगर आपको नहीं पता चैतन्य महाप्रभु कौन है, गौरंगा कौन है, तो वीडियो में और ब्लॉग में एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और टेम्पल में क्या क्या होने वाला है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है 4:02, तो मंगला आरती के दर्शन करने हैं, तो बने रहना इस वीडियो में। तो अभी इस वक्त मैंने अपनी बुलेट, अपनी हयाभूषा निकाल लिया और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। और सामने मेरे को कुछ भक्त जाते भी दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं ना तो ये फ़ायदा होता है कि मंदिर के आसपास रहते हैं, ये फायदा होता है, ये भक्त बेस की हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो ये लोग भी मंगला आरती जा रहे हैं, टाइम हो रहा है, तो चलिए मैं आपको मंगला आरती का ही दर्शन कराता हूँ। और तो बने रहना, और मेरे को पता नहीं है कैसे व्लॉग बनाते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो ये तो पहला व्लॉग होने वाला है। तो सारे भक्त लोग जो जा रहे हैं अभी मंगला आरती करने, और ये राम मंदिर का रास्ता। और मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं व्लॉग में, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, बस इतना पता है जो करते हैं वो दिखाते हैं। तो जो कर रहा हूँ मैं वो दिखाता हूँ, तो आप बने रहना। और हाँ, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल जो है जन्माष्टमी से कम नहीं होता, और आज के दिन ही गौड़ीय वैष्णव का भी नया साल होता है ना। तो ये मंदिर का रास्ता, सामने बिल्कुल मंदिर आ चुका है, क्योंकि मैं बेस में रुका था, तो बेस मंदिर के साथ, मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही है। अब यहाँ से देखना मंदिर के दर्शन करने की, तो सुंदर यहाँ से रात को दिखते हैं, कौन लिखा रहे हो बड़ा था। ये सामने जो मैं मंदिर दिख रहा हूँ, मैं टेंपल पहुँच चुका हूँ, और ये मैं अपनी गाड़ी से पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, और आज ये शायद न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी आएंगे, न्यूज़ में आज शायद आएगा। और ये गेट नंबर 1 है, इस्कॉन लिखा हुआ, और इसका नाम है वृंदावन द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। तो इस वक्त मैं मंदिर में आ चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर में गौर पूर्णिमा के जो स्पेशल दर्शन है भगवान के चैतन्य महाप्रभु के मंगला आरती के, वो थोड़ी ही देर में खुलने वाले हैं। जस्ट मैं मंदिर के गेट के सामने खड़ा हूँ बाहर, तो आप दर्शन करना। तृप्त हरिर्भक्त संगा
चेतन भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद आई होप आपने मंगला आरती के दर्शन करे होंगे। आपने देखा होगा डिवोटीज किस तरीके से नाच रहे थे, कितनी प्रेम पूर्वक कीर्तन चल रहा था, मधुर कीर्तन चल रहा था, सारे महाप्रभु के प्रेम में नृत्य कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मंगला आरती के दर्शन भी अच्छे लगे होंगे। और इस वक्त मैं आ गया हूँ मंदिर के बाद सीधा अपने बेस, यहाँ पे हम लोग कीर्तन करेंगे। यहाँ पे यूथ रहता है, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, तो उसके बाद सीधा हम मिलते हैं दर्शन आरती में। दर्शन आरती आज मतलब स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के दिन भगवान फूलों की ड्रेस पहनने वाले हैं। फूलों की ड्रेस में कितने सुंदर लगेंगे वो हम दर्शन आरती में ही देखेंगे, दर्शन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे पहला ब्लॉग है, कुछ गलती हो या अच्छा ना लगाओ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इस वक्त हम बेस में आरती करके कीर्तन करके निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शन आरती में मंदिर में। तो आप दर्शन जरूर करना, आज के बहुत ही स्पेशल दर्शन होने वाले, फूलों की ड्रेस पहनेंगे ठाकुर जी ने। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल रखने राधा पाटा जी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने। तो ये हम लोग मंदिर एंट्री करने जा रहे हैं। अभी चंदन प्रभु कैसी लगी आपको सवारी के सारे? इन्होंने सवारी दे दिया, दस रुपये दे देना लेकिन। ओके पब्लिक, 10 रुपया 20 दे देंगे तो हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने। और थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, ठाकुर जी ने ड्रेस कैसी पहनी होगी, फूलों की ड्रेस पहनी जाते मैंने सुना। अब देखते हैं ठाकुर जी ने कितना सुंदर ड्रेस पहनी है। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे पर ध्यान करूँ कि ठाकुर जी फूलों की ड्रेस पहनी कैसे लेंगे। दिल्ली दर्शन करते हैं। ये देखो ये चंदन प्रभु मंगला आरती पे आए थे, लेकिन इनकी चप्पल किसी ने ले ली। ये यहाँ पे चप्पलें ऐसे ट्रांसफर करते हैं, जो साफ चप्पल दिखती है वो पहन लेते हैं। जैसे अगर देखे आपको आपकी चप्पल गायब हो तो इन प्रभु जी को जरूर कॉन्टेक्ट करना। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे रो
आज गोरांगो कहो गोरांगो लहो गोरांग रो नाम रे ভাজিলে গরঙ্গা জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গরঙ্গা ভাজিলে গরঙ্গা জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গরঙ্গা ভাজিলে গরঙ্গা জপিলে দুঃখের অবসান রে ভজ গোরাঙ্গো কহো গোরাঙ্গো লহো গোরাঙ্গ রো নাম রে জি জানা গোরাঙ্গা ভাজে সে হয় অমর প্রাণ রে জি জানা গোরাঙ্গা ভাজে সে হয় অমর প্রাণ রে সে Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तो अभी आप सबने दर्शन आरती अटेंड करी, भगवान के दर्शन करे फूलों के ड्रेस के। तो अभी टाइम हो रहा 4:45, तो अभी अभिषेक होने वाला है, तो अभिषेक के दर्शन करना। अभी मैं आपको अभिषेक के दर्शन कराता हूँ, देखते हैं भगवान के अभिषेक के दर्शन कितने सुंदर होते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को अभी तक ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए जानते हैं अब चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये हम जानेंगे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के सेनापति से श्रील प्रभुपाद से। तो ध्यान से सुनना और वीडियो को ध्यान से देखना और एंजॉय करना। Lord Chaitanya is Krishna himself and he is teaching devotional service to the living entities personally, directly. Therefore, the modes of devotional service as taught by Lord Chaitanya is the most perfect. There cannot be any doubt. The expert or the master is teaching the servant how to work. If somebody is master of some engineering work and he is personally teaching some assistant, that teaching instruction is most perfect. Similarly, Lord Krishna himself in the role of a devotee is teaching devotional service. Therefore, the path chalked out by Lord Krishna is the most feasible way for perfection to devotional service. Govinda Radhe
आई होप आप सब ने भगवान के अभिषेक के दर्शन करे होंगे और आपको बहुत पसंद आए होंगे, मेरे को भी पता है। और भगवान के चरणामृत के भी आप दर्शन कीजिए, कि जो अभिषेक हुआ था उसका चरणामृत, और आप भी पाइए देख के। तो मैं तो पा रहा हूँ। मार्केट का जो भी फ्रूट फाइनली इतनी सेवा करने के बाद भगवान के अच्छे दर्शन हुए हैं, और अभिषेक के बाद आई आपकी, इतना अच्छे दर्शन हुए और अभिषेक के दर्शन आपने करे, उसके बाद अब हम लोग पाले अरे वो, तो आप भी देखिए पा लेना वीडियो में, और हम सब लोग प्रसाद ही बांटते हैं, और जो भक्त जिनको पनीर पसंद होता है ना, वो भक्त पता है पनीर की जब उन्हें सब्जी मिलती है तो वो पनीर ऐसे अलग करके रख लेते हैं। प्रसाद का ज्यादा आ जाएगा सभी। जस्ट मैं प्रसाद पाके हटा था, इतने में देखा कि भक्तों ने भगवान का महाप्रसाद, जो गौर निताय का महाप्रसाद था ऑल्टर में, जो भगवान को ऑफर हुआ था आज भगवान के अपीयरेंस डे पे,
तो वो भक्त लेके आए हैं और दर्शन कीजिए महाप्रसाद के, और दर्शन करके ही पा लीजिए। अंदर क्या है इसके, इसके अंदर शायद ये जिसको ये पता है वो बता देना, मेरे को नहीं पता क्या है ये कौन सा प्रसाद है। ये तो मैं अभी पा लूँगा, ये वाला और ये पंकज रूबस चारी में इसकी कब कब मैं जाऊँ बाहर तो कब ये पा लूँ। तो यहीं पर ही ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जरूर करवा देना। एनीवे तो दिन बहुत अच्छा था, गौर पूर्णिमा इतनी बेस्ट बनी, और एक दिन का एंड होते होते मेरे को मिला भगवान का गार्लैंड, और एक ऐसी स्पेशल चीज़ मिली है। अगर आप सबने भगवान के दर्शन करे हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि एक राधा पार सारथी ने कहाँ पहने थे, तो ज़रूर बताना ये भगवान ने कहाँ पहने थे। टिल देन चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, और हाँ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हरे कृष्ण।